असम क्लास नाइन क्लास नाइन्थ हम इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी चैप्टर अपना डिस्कस कर रहे थे। हम इसमें दो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ एबायोजेनेसिस एंड बायोजेनेसिस। पूरा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझा दूं कि एबायोजेनेसिस एंड बायोजेनेसिस जो है वो क्या चीज़ है। एबायोजेनेसिस क्या है? जिसमें जो पुराने जो आपके थे साइंटिस्ट, उनका ही ख्याल था कि लिविंग थिंग जो है वो आइस होते हैं नॉन लिविंग थिंग से। यानी कि जो हमारे बिलीव है, जो अभी जो कॉन्सेप्ट हम सेकंड कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करेंगे, यही इसका डिफरेंस है कि एबायोजेनेसिस में साइंटिस्ट कहते थे कि जो लिविंग थिंग है वो आइस होते हैं नॉन लिविंग थिंग से, और बायोजेनेसिस में जो बिलीवर थे या जो उनके जो है वो मानने वाले थे, जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, उनका ये ख्याल था कि लिविंग थिंग अराइज फ्रॉम द अदर लिविंग थिंग्स। ये कॉन्सेप्ट बायोजेनेसिस जो है वो कहलाता है। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को जो है वो सपोर्ट करने के लिए साइंटिस्ट ने जो है वो एक्सपेरिमेंट, जिस तरह से हमने बायोलॉजिकल मेथड में पढ़ा था कि कोई भी कॉन्सेप्ट हो या कोई भी आपके सामने प्रॉब्लम आती है उसको जो है वो प्रूफ करने के लिए, उसको जो है सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए हम जो है पूरे एक मेथड से जो है वो काम करते हैं, तो उसके लिए जो है साइंटिस्ट ने जो है इस पर काम किया था। लेकिन सबसे पहले मैं, हम पूरे डिटेल में जाने से पहले मैं इन दोनों को पहले आपको अच्छी तरीके से समझा दूँ कि ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं क्या, ताकि फिर हम इसको जो है डिटेल में इसके एक्सपेरिमेंट के तरफ जाएंगे। अच्छा, ये आपका जो हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर आपका 17 एंड 18 जो है वो पेज नंबर है। आपकी बुक का, टेक्स्ट बुक का। अच्छा ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं एबायोजेनेसिस पे। द ओल्ड ये आपका था पूरा जो एक कॉन्सेप्ट एबायोजेनेसिस की, द ओल्ड डिस्कार्डेड, जो डिस्कार्ड कर दिया गया था कि द ओल्ड डिस्कार्डेड बिलीव दैट लिविंग थिंग्स अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। अभी जो साइंटिस्ट थे, अभी किस साइंटिस्ट ने इस पर जो है वो ये काम किया था, ये थे आपके एरिस्टोटल थे साइंटिस्ट, जिन्होंने जो है वो एबायोजेनेसिस पे काम किया था। इन्होंने जो है वो काम किया था। अब इन्होंने ये क्यों कहा कि ये इस तरह से कि लिविंग थिंग जो है वो नॉन लिविंग थिंग से जो है प्रोड्यूस होते हैं। असल में जो आपने देखा होगा, जो ब्रेड होती है, ब्रेड या रोटी होती है, उस पर फंगस लग जाती है, जिसे आप फफूंदी भी आप कहते हैं। और इसके अलावा जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि जो गले सड़े चीज़ें होती हैं, उसमें जो है वो जब मक्खियाँ उस पर गैदर होती हैं तो उसमें जो है वो एग्स दे देती हैं, या मैगट्स जो आपके जिन्हें हम एग्स कहते हैं, तो उसमें से जो है वो कीड़े छोटे छोटे से लार्वा जिसे हम कहते हैं, देन उसके बाद वो फ्लाइज बन जाती हैं, तो उनको ये नज़र आएगी। तो उनके जहन में ये कॉन्सेप्ट आया, ये ओल्ड बिलीव था कि ये जो है वो इनसे ही अराइज हुई है, कि मतलब उनके जहन में ये था कि जो फिश हैं और फ्रॉग हैं, जो एक्वाटिक इंसेक्ट्स हैं, वो मट से जो है वो अराइज होते हैं, इनका ही कॉन्सेप्ट था। तो फिर हमारे जो साइंटिस्ट थे, दूसरे साइंटिस्ट जब जिन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किए थे बायोजेनेसिस पे, उन्होंने जो है इसको जो रिजेक्ट किया, अपने एक्सपेरिमेंट पेश किए, तो फिर वो कॉन्सेप्ट हमारा जो बायोजेनेसिस का जो है वो प्रूफ जो है वो हुआ था। अब यहाँ पर आपको मैं बात क्लियर हो गई होगी कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, कि जो ओल्ड बिलीफ था ये कॉन्सेप्ट के, जो आपके साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल, तो उन्होंने जो ये कॉन्सेप्ट दिया था कि काफ़ी ओल्ड है ये, कि जो नॉन लिविंग, जो लिविंग थिंग है वो नॉन लिविंग थिंग से जो है वो प्रोड्यूस होते हैं।
बायोजेनेसिस। अब ये क्या था, ये वही जो है व्यू है कि जो बायोजेनेसिस यानी के द व्यू दैट लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस फ्रॉम लिविंग थिंग, अदर लिविंग थिंग कह लें, या लिविंग थिंग प्रोड्यूस देयर ओन काइंड यानी कि अपने ही जैसे काइंड से जो है प्रोड्यूस होते हैं लिविंग थिंग, ये कॉन्सेप्ट ये था। तो इस कॉन्सेप्ट को अप्रूव करवाने के लिए इस कॉन्सेप्ट को जो है वो रिटेल ने पेश किया था, जो साइंटिस्ट थे वो आपके थे इटालियन साइंटिस्ट थे रेडी, उन्होंने जो है ये काम किया था इस पर। जिन्होंने जो है वो आपके बायोजेनेसिस पे काम किया है वो साइंटिस्ट थे आपके रेडी। और ये क्या व्यू था, द व्यू दैट लिविंग थिंग अराइज कह लें या प्रोड्यूस कह लें आप other living things, this is called biogenesis। अच्छा, अब इनको ये जरा बात अपनी बात को जब इन्होंने कहा कि लिविंग थिंग्स ही प्रोड्यूस होते हैं, तो अब जो आपका एक बायोजेनेसिस का जो टॉपिक है या कॉन्सेप्ट कह लें उसको रिजेक्ट करने के लिए, उसको जो है वो डिस्कार्ड करने के लिए अपने जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए थे वो तकरीबन काफ़ी सारे हैं जो, लेकिन आपकी बुक में जो है 3 दिए हुए हैं जिन्होंने पेश किए थे, ताकि एक बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट जो है वो कैंसिल किया जा सके और जो बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट है वो सबके सामने जो है वो लाया जा सके। उसके लिए सबसे पहले जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, मैं उसको पूरा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 आपको यहाँ दिया हुआ है बुक में पेज नंबर 17 पर, कि इन्होंने एक बॉक्स लिया था, उस बॉक्स में डेड स्नैक्स जो है वो रखे थे, यानी डेड स्नैक्स यानी जो मर चुके थे वो बॉक्स में रखे। अच्छा, तकरीबन जो है उन्होंने नोटिस किया कि तकरीबन जो है वो 3 डेज बाद जो है उसमें मैगट्स यानी कि जो एग थे वो जो है वो अपीयर होना शुरू हुए। पहले तो उन्होंने ये देखा कि वो जो फ्लाइज थी उस पर जो है वो गैदर्ड होना शुरू हो गई, यानी कि आपने अक्सर देखा वो गली सारी चीज़ों पर या मरेगी जो चीज़ें होती हैं या डेड जो होती हैं उसमें मक्खी आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद 18 डेज बाद उन्होंने देखा कि उसमें जो मैगट्स थे उनमें से छोटे छोटे से कीड़े जैसे आप जिन्हें हम प्यूपा कहते हैं वो निकलने शुरू हुए, तो उन्होंने उनको जो है वो अलग लेकर एक दूसरे बॉटल में डाल दिया। अच्छा, अब उसको जो है वो जब 18 काफ़ी डेज गुजरे तो उसमें से जो है वो फ्लाइज जो है वो निकलना जो है वो शुरू हुई, राइज हुई, तो उन्होंने देखा बिल्कुल सेम वही थी जो उस पर गैदर्ड हुई थी। तो ये कॉन्सेप्ट उन्होंने कहा कि हाँ ये बिल्कुल उसी से जो इसका मतलब जो एग उन्होंने फ्लाइज ने दिए थे उस उन्हीं की जो है ये ऑफ स्प्रिंग कहते हैं जो औलाद या ये न्यू जनरेशन जो प्रोड्यूस होती है उसको कहा जा रहा होता है। तो ये उन्होंने जो है कॉन्सेप्ट दिया था, पहला जो है एक्सपेरिमेंट ये किया था। अब अपनी बुक से भी इसको रीड आउट किया, मैंने आपको उसको एक्सप्लेन कर दिया है ताकि समझ में आपके आ जाए। तो उन्होंने कहा कि अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि ये जो फ्लाइज इमर्ज थी फ्रॉम, तो ये उन्हीं के एग्स से जो है ये प्रोड्यूस हुए हैं। फिर उन्होंने यानी कि तो एक बॉक्स पे किया था उन्होंने, अब वो बिल्कुल भी कवर नहीं था। सेकंड एक्सपेरिमेंट किया, ये भी आपके पेज नंबर 17 पर ही है। अब इन्होंने तकरीबन जो ली थी वो 8 बॉटल्स ली थी। अच्छा, अब इसे उन्होंने क्या किया कि 2 बॉटल में स्नैक्स लिए, 2 बॉटल्स में जो है वो मीट लिया और 2 बॉटल्स में जो है वो फिशेज ली थी। अब इसमें से उन्होंने 4 बॉटल्स जो है वो कवर्ड कर दी बिल्कुल पैक कि उसमें जो है कोई भी जो फ्लाइज अंदर ना जा सके, और जो 4 बॉटल्स थी उनको उन्होंने क्या कर दिया ओपन इस तरह छोड़ दिया। फिर उन्होंने सम डेज बाद उन्होंने जब देखा कुछ दिन बाद, तो वही हुआ जो पहले एक्सपेरिमेंट में हुआ कि कुछ दिन बाद जो है उसमें जो है वो मैगट्स यानी कि जो एग्स थे फ्लाइज के वो नमूदार होने शुरू हुए, फिर वो चेंज हुए पीपा में, फिर देन लार्वा, उसके बाद जो बिल्कुल वही फ्लाइज बन गई जो उस पर गैदर हुई थी। अच्छा, अब लेकिन जो क्रिटिसाइज करने वाले थे जो आपके ए बायोजेनेसिस के जो बिलीवर थे जो उस पर सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने फिर ये कहा कि मतलब आगे आपने पेज नंबर 18 पे देखिएगा
कि उन्होंने पूरा उनका जो है वो दिया हुआ है कि उन्होंने क्या क्रिटिसाइज किया, क्योंकि ये होता है जब साइंटिस्ट एक टीम किसी कॉन्सेप्ट पे या किसी कॉज पे काम कर रही होती है तो दूसरे जो है वो उस पर क्रिटिसाइज ज़रूर करते हैं। ये भी आगे पढ़ेंगे भी जो साइंटिस्ट का वर्क है कि ये नहीं कि आपने बस काम किया और आपका अप्रूव हो गया। ये हम बायोलॉजी के मेथड में भी पढ़ चुके हैं कि आपको अगेन एंड अगेन जो है वो टेस्ट करने पड़ते हैं, अगेन एंड अगेन एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। तो अब जब रेडी जो साइंटिस्ट उन्होंने ये 8 बोतल वाला एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने ये कहा कि नहीं, एयर बायोजेनेसिस के लिए जो है वो एयर का होना भी ज़रूरी है। अब जब बोतल कवर कर दी तो एयर नहीं गई उसमें, इस वजह से उसमें जो है वो फ्लाइज के जो एग्स हैं वो जो प्रोड्यूस नहीं हुए। उनका अभी भी यही कॉन्सेप्ट था कि नहीं, जो वो जो है डेड स्नैक्स या जो मीट है या फिशेज हैं उनसे ही वो एग जो है वो प्रोड्यूस हुए हैं। उनका अभी भी ये नहीं था कि वो हमने जो है वो प्रिवेंट कर दिया, जो फ्लाइज नहीं पहुंच पाई कवर करने से। हम अक्सर घर में भी करते हैं कि पूरे कवर कर देते हैं, तो इसी तरह उन्होंने बोतल भी कवर कर दी कि वहाँ पे जो है फ्लाइज नहीं पहुंच पाई तो वो एग्स भी जो है प्रोड्यूस नहीं हो पाए। तो उसके लिए फिर एक थर्ड एक्सपेरिमेंट जो है वो रेडी जो साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने जो है वो किया था। इन्होंने अब क्या किया कि एक बड़ी बोतल लेके उसमें वही डेड फिशेस जो है वो रखी थी, लेकिन उसको जो है एक जाली से जो नेट आप जिसे कह लें कवर कर दिया। अच्छा, अब कवर करने के बाद क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि एयर नहीं पहुंच रही, इस वजह से जो है वो उसमें एग्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं हुए। तो अब इन्होंने क्या किया कि नेट से कवर, क्योंकि नेट में आपको पता है कि जब नेट होती है तो उसमें फ्लाइज तो नहीं जा सकती अंदर, लेकिन एयर जा सकती है। तो उन्होंने इसलिए पूरे उस बॉक्स को किससे कवर कर दिया, नेट से। तो अब उसमें एयर भी जा रही थी, सिर्फ हमने फ्लाइज को प्रिवेंट कर दिया कि उस तक जो है फ्लाइज ना पहुंच पाए। तो जब वो पूरा एक्सपेरिमेंट जो है वो कंप्लीट हुआ, कुछ दिन बाद जो पीस ऑफ मीट जो उसमें देखे तो उसमें कुछ दिन बाद जो है वो हमने चाहते जब एयर तो पॉसिबल थी उसमें पहुंच रही थी, लेकिन फ्लाइज जो उसमें नहीं पहुंच पाए तो उसमें मैगट्स यानी कि जो एग्स थे फ्लाइज से वो जो है प्रोड्यूस नहीं हो पाए। तो फिर ये जो है कॉन्सेप्ट बायोजेनेसिस जो है वो जो साइंटिस्ट रेडी जिस पे काम कर रहे थे उस वो जो है अप्रूव हो गया था कि आपकी पेज नंबर 18 पे भी जो यहाँ से पढ़ रही हूँ कि दिस एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड एविडेंस सपोर्टिंग द आइडिया दैट ओनली लिविंग बींग गिव राइज टू लिविंग बींग, यानी कि लिविंग थिंग कह लें, लिविंग बींग कह लें कि वो किससे अराइज होते हैं, लिविंग थिंग से ही जो है अराइज होते हैं। दस द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोजेनेसिस इज करेक्ट एंड दैट ऑफ एयर बायोजेनेसिस इज रॉन्ग। तो फिर ये जो है कॉन्सेप्ट जो है बायोजेनेसिस का जो है वो मान लिया गया था। और इसके ये तीन एक्सपेरिमेंट जो रेडी हमें जो साइंटिस्ट थे इन्होंने जिसपे पूरा ये अपना जो है वो कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से पेश किया और पूरा जो है डिटेल में जो है वो अप्रूव हो गया। तो इसी वजह से अब जो कॉन्सेप्ट, इसीलिए ए बायोजेनेसिस को कहा जाता है कि ये एक डिस्कार्डेड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बायोजेनेसिस जो है वो अभी तक जो है वो उसको माना जाता है, समझा जाता है। तो ये एक लॉग उसकी शक्ल में जो है। अब यहाँ आपका ये जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ बायोजेनेसिस एंड ए बायोजेनेसिस जो है कम्प्लीट हो गया है।